ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपको ट्रायम की 1200 सीसी की 1200 RC के बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन रिव्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी ही कुछ दिनों पहले ट्रायम्फ 1200 RC का लॉन्च के बारे में बताया गया था, जिसमें उसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी निकल के आए थे और उसका डिज़ाइन भी आप देख ही सकते हो कि बहुत ही मॉन्स्टर जैसी बाइक दिखती है। और उसका फ्रंट लुक तो यानी कि जो हेडलैम्प है वो तो आप देख ही सकते हो कि वो तो बहुत ही अच्छा है और ट्रायम्फ उसी के लिए बहुत ही फेमस है। और ट्रायम्फ की बात करें तो उसका साउंड यानी कि एग्जॉस्ट साउंड उसका बहुत ही अच्छा आता है और जो नेकेड बाइक है वो भी बहुत ही अच्छी दिखती है। सो गाइस, अभी बात करूँ कि जो ये बाइक है उसमें कौन सा इंजन होगा, तो इसमें हमें 1160 cc का इंजन देखने को मिलने वाला है। यानी कि इंजन तो इसमें बहुत ही बड़ा है, वो इंजन जो 178 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, वो भी 10,750 rpm पर। और उसके टॉर्क की बात करूँ तो 125 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा और वो भी 9,000 rpm पर देखने को मिलेगा। यानी यार पावर और टॉर्क की बात करें तो वो तो बहुत ही हाई है, क्योंकि हाई भी ये रहेगा क्योंकि 1200 cc का इंजन जो इसमें लगाया गया है। अभी ये बाइक का जो पावर और टॉर्क है जो पुरानी वाली बाइक से 30 bhp और 8 Nm का टॉर्क और पावर इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। और इसके गियरबॉक्स की बात करूँ तो इसमें हमें 6 स्पीड के गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ इसमें हमें क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलने वाला। यानी बाइक का एक्सेलरेशन और पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और इसके साथ साथ ये बाइक बहुत ही प्रीमियम बाइक है। इसमें हमें ऑटो ब्लिपर, ABS कंट्रोल, साइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल से बहुत ही फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक्सपेंसिव बाइक में ही ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस बाइक का वेट बहुत ही कम है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है। यानी कि इसका बाइक का स्टेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि एल्यूमिनियम फ्रेम जो होता है, जो लाइट वेट के लिए जाना जाता है, वो वाला इसमें यूज़ किया गया है। इसमें हमें फ्रंट में अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिलते हैं और रियर में हमको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि ओहिनिक्स वाले सस्पेंशन इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं। इस बाइक के ब्रेकिंग की बात करें तो इतना ज़रूरी है क्योंकि इतना हाई पावर और टॉर्क है तो ब्रेकिंग भी इसमें अच्छी रहनी चाहिए। तो इसमें हमें ड्यूअल डिस्क देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ड्यूअल चैनल ABS तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें होने ही वाला है। इसमें फ्रंट डिस्क 320 mm का देखने को मिलेगा और रियर डिस्क हमें 270 mm का देखने को मिलेगा। इसमें फ्रंट टायर में हमें दो डिस्क 320 mm की देखने को मिलने वाली है। यानी ब्रेकिंग तो बहुत ही अच्छी है। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इसमें 5 इंच का TFT डिस्प्ले का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसमें सारी फीचर्स हमें दिया जाए, जैसे कि बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें देखने को मिलने ही वाले है। और इसी के साथ साथ हमें मोबाइल कनेक्टिविटी वो भी देखने को मिलेगी और इसमें कीलेस एंट्री भी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि बाइक को चालू करने के लिए हमें कोई भी की का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हमें फ्रंट की हेडलैम्प की बात करूँ तो इसमें फुल्ली LED जो कि फेमस ट्रायम्फ का जो हेडलैम्प है वही हेडलैम्प इसमें है। और रियर की बात करूँ तो वो भी हमें टेल लैम्प हमें LED वाला ही देखने को मिलने वाला है और साइड इंडिकेटर्स भी सब LED ही रहेंगे। यानी कि इसमें प्रीमियमनेस तो बहुत ही ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ इसमें हमें TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें GoPro के कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्या इस बात करूँ इस बाइक के प्राइस की, तो इसका प्राइस अराउंड 16 lakhs के आसपास इसका प्राइस है और अभी इंडियन मार्केट में इसका बुकिंग भी शुरू हो चुका है। सो गाइस, आप कमेंट करके बताएं कि आपको इसका लुक कैसा लगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।